यस, ऑडियो वीडियो क्लियर है? आवाज सुन पा रहे हैं आप? सर। तो शुरू करें, तैयार हो? गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग। वेरी गुड। चलिए बताइए, 2017 में आपने LLB कंप्लीट कर रखा है, यस उसके सर। बाद फिर क्या जज की लेबर लॉ की तरफ भी आपने डिप्लोमा कंप्लीट कर लिया? लेबर लॉ की रिक्वायरमेंट आपको क्यों लगी? सर, लेबर लॉ मैंने एक एडिशनल डिग्री के रूप में किया था, बाकी पूरा मेरा फोकस कंपटीशन एग्जाम्स के लिए था। तो 2017 के बाद कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो जुडिशरी वगैरह की भी तैयारी साथ साथ करते हैं आप? यस सर, जुडिशरी की फील्ड में जितने भी कंपटीशन है सर, उन पर मेरा फोकस था पूरा। करंट इश्यू पर भी अच्छी पकड़ होगी आपकी, तो वर्तमान के अंदर कानून के संबंध में कुछ दो तीन विवाद चल रहे हैं, किसी भी एक के बारे में बता पाएंगे? कुछ कानूनी कानून ऐसे बने जो यस बड़े सर, विवादित हो रखे हैं? यस सर। सर, वर्तमान में जो फार्मर्सी रिलेटेड जो 3 कानून, जिनमें से 2 तो एक्ट थे और 1 अमेंडमेंट किया गया सर, उसको लेकर बहुत विवाद हो रहा है सर। जिसमें से पहला कानून था द फार्मर प्रोड्यूस ट्रेड एंड फैसिलिटेशन एक्ट 2020 सर, ठीक है, इसके इसमें बताएं बताएं, सुन रहा हूं मैं। यस सर, सर इसमें जो मेन प्रॉब्लम थी वो ये थी कि सॉरी सर, चलिए कोई बात नहीं, ये इसमें एक MSP का वर्ड जिक्र किया जा रहा है बार बार, है ना? यस सर, ये जो क्या क्या है, सेकंड इसका फुल फॉर्म क्या है MSP का? सर मिनिमम सपोर्ट प्राइस सर, मिनिमम जो सपोर्ट प्राइस। सेकंड एक्ट पारित किया गया था सर, उसके अंदर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जो थी सर, उसी उसी में जो MSP को लेकर बहुत विवाद हो रहा है सर। ये मिनिमम प्राइस होती है जो फार्मर्स को बेचने पर उनको गवर्नमेंट द्वारा ये आश्वासन दिया जाता है कि आपको इससे कम का मतलब इससे कम प्राइस तो आपको नहीं मिलेगी, इतनी तो आपको जो फसल बेचने पर इतनी तो मिलेगी। तो चलिए सर ठीक ये है, एक सेंट्रल ने जब ये कानून पास किया तो इसके अगेंस्ट में कई स्टेट ने इसका एंटी लॉ भी बनाया है, यस सर, तो क्या स्टेट को पावर है कि वो कृषि के मुद्दे पर कानून बना सके? सर स्टेट को पावर है कृषि के मुद्दे पर बनाने के लिए, लेकिन जब सर अगर सेंट्रल का लॉ कोई पहले से एग्जिस्ट करता है और सर उसके अगेंस्ट में अगर राज्य कोई कानून बनाता है, तो सर इसके लिए गवर्नर की तो सहमति की जरूरत होती है, लेकिन सर साथ ही में माननीय राष्ट्रपति जी की भी इसकी सहमति जरूरत पड़ती है सर। 2 आर्टिकल 254 क्लॉज 2 के अंतर्गत ये आएगा। अब राज्य कानून बनाता है, राज्य की विधानमंडल कानून बनाती है, सर राज्य की विधानमंडल विधानमंडल बनाती है, तो ये प्रावधान जो है संविधान में कहां पर कर रखा है जिसमें पूरा बाइफरकेशन हो कि इस पर ये विषय संसद बनाएगी, इस विषय पर विधानमंडल कानून सर बनाएगी? आर्टिकल 246 के अंतर्गत जो एंट्री नंबर जो सॉरी सर, कोई बात नहीं, रिलैक्स हो जाओ आप, तीन लिस्ट एकदम आप दी अच्छे से गई है इंटरव्यू दे रहे हैं, एकदम रिलैक्स होके रहिए। हाँ बताएं। सर, 3 एंट्रीज दी गई है जिसमें यूनियन लिस्ट और स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। उसका जिक्र सर कर रखा यूनियन है। लिस्ट पर, हाँ सर, यूनियन लिस्ट पर जो है संसद कानून बनाएगी और सेंट्रल स्टेट लिस्ट पर जो है राज्य राज्य विधानमंडल, और सर कॉन्करेंट लिस्ट पर ऐसे सब्जेक्ट दिए गए जिन पर दोनों कानून बना सकते हैं। ये जो गवर्नर है कुछ स्टेट के अंदर या कुछ अपने यूनियन टेरिटरी के अंदर LG की एक पोस्ट होती है, क्या फुल फॉर्म है LG का? लेफ्टिनेंट गवर्नर लेफ्टिनेंट गवर्नर। इसकी पावर में और गवर्नर की पावर में कुछ अंतर होता है? सर, नहीं सर, वैसे तो इक्वली होती है सर, क्योंकि वो संघराज्य क्षेत्रों में बना दिया जाता है और जो गवर्नर होता है वो राज्यों में। चलिए, अभी हाल ही के अंदर हमने नया संसद भवन का निर्माण करने की आधारशिला रखी है, यस राइट? सर, मीडियम आपका हिंदी है या इंग्लिश है? यस सर, हिंदी है। हिंदी है ना, तो नए संसद भवन को बनाने की आधारशिला रखी है। हमारा पुराना संसद भवन भी ठीक ठाक चल ही रहा था, 100 साल हो गए, लेकिन बिल्डिंग के अंदर ऐसा कोई है नहीं, कोई दिक्कत हो, कभी भी गिर जाए, ऐसा तो कोई संभावना थी नहीं। तो नई संसद की बिल्डिंग बनाकर 1,000 करोड़ का बजट उस पर खर्च करना क्या ठीक लग रहा है आपको? सर एक तरह से ठीक तो नहीं था, लेकिन गवर्नमेंट ने सीटें बढ़ाने की कुछ बात हो रही थी इस संदर्भ में, तो सर उसके रिगार्डिंग ये नया संसद भवन बनाया गया। नहीं तो सीटें बढ़ाने से क्या हुआ, मतलब पुराने वाले में क्या दिक्कत आ रही थी, इसलिए सीटें बढ़ा गई हैं तो नया संसद भवन बनाना पड़ेगा?
सही जा रहे हो आप, थोड़ा रीजन में जानना चाहता हूँ इसके पीछे लॉजिक क्या है, सीटें बढ़ाने से क्या लॉजिक बन जाएगा कि नया संसद भवन बनाना पड़े। सॉरी सर, मैं जवाब नहीं दे पाऊंगा। चलिए कोई बात नहीं, जुडिशरी के अंदर आपका ड्रीम है राइट? यस सर। तो फिर आप ये जेलों की पोस्ट क्यों ऑक्यूपाइड कर रहे हो, ये जस्ट अ वेस्टेज, आपकी जगह किसी और को मौका मिल सकता है, आप तो कल जुडिशरी में चले जाओगे। सर मेरा टारगेट यही था कि मैं लॉ में अपना करियर बनाऊं, और सर इसके अंदर मैंने आरजेएस भी पहले दे रखा है, लेकिन सर अभी मेरी प्राथमिकता जूनियर लीगल ऑफिसर है, क्योंकि मेरे पास ये अवसर है इस टाइम पर। सर आगे मुझे अवसर मिलेगा तो मैं और भी ट्राई करूंगी, लेकिन अभी मेरी प्राथमिकता जेएलओ बनना है। अगर आप जेएलओ बन गए तो क्या ये आपको जुडिशरी में मदद करने वाला है क्या कुछ किसी तरह से? यस सर। कैसे बताएं? इसमें सर इसमें जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर राज्य सरकार की जो भी विभाग होते हैं सर, उसमें इसका काम होता है लीगल एडवाइस करना, जिसमें सर जैसे किसी भी मामले में लीगल जो पॉइंट होता है सर, उस पर ये अपनी एडवाइस करता है, असिस्ट करता है लीगली, और लीगल मामलों को जैसे जो एडवोकेट विभाग की तरफ से सर रिप्रेजेंट करता है सर, उसको जो भी औपचारिकताएं होती है जैसे सेक्शन 80 का नोटिस देना सर, किन मामलों में अपील हो सकती है, नो अपील सर, वो सब थोड़ा मैनेज करता है, मॉनिटरिंग करता है। नहीं बट मेरा सवाल है कि आपको ये जुडिशरी में कैसे हेल्प करेगा, एडवोकेट को हेल्प करेगा तो एडवोकेसी और जुडिशरी तो अलग अलग चीज है, जुडिशरी में कैसे हेल्प करेगा? नहीं सर मुझे प्रैक्टिकल जो वर्क होता है सर, मैंने केवल अभी बेयर एक्ट वगैरह यही पढ़ रखा है और कोर्ट में मैंने प्रैक्टिस की नहीं, तो सर ये मुझे थोड़ा प्रैक्टिकल सर, जब किसी थ्योरेटिकल चीज को प्रैक्टिकल वे में करते हैं तो सर वो पक्ष मजबूत हो जाता है सर, तो इस वजह से ये मुझे लगता है कि मुझे बहुत हेल्प करने वाला है। ओके सर प्लीज। आपने भी सर के सवालों के जवाब के दौरान एक शब्द बोला, आपने कहा कि ये संघ राज्य है, जो लेफ्टिनेंट गवर्नर होता है वो संघ राज्यों में होता है, तो बाकी प्रांत क्या होते हैं? बाकी संघ के जी बताइए। बाकी सर जो है राज्य संघ राज्य होते हैं या यूनियन टेरिटरी होते हैं? दिल्ली क्या है अभी, दिल्ली की क्या क्या नाम है, दिल्ली में गवर्नर बैठता है या लेफ्टिनेंट गवर्नर? दिल्ली प्रांत के जो राजप्रमुख हैं, जो संघ के प्रतिनिधि होते हैं, उनको उनका क्या नाम है, राज्यपाल है या उपराज्यपाल? सर उपराज्यपाल। तो आप ये बताइए कि भारत के संविधान का क्या कोई ऐसा प्रावधान है जो किसी व्यक्ति के संपत्ति के अधिकार का हनन होने पर कोई राहत दे सके? यस सर, आर्टिकल 300 ए सर, इसके तहत अगर किसी को भी उसकी संपत्ति से वंचित किया जाएगा तो केवल विधि द्वारा प्राधिकरण जो प्रक्रिया है उसी के तहत किया जाएगा, अन्यथा फिर राज्य द्वारा उसके लिए प्रतिकर दिया जाएगा, उचित प्रतिकर। तो क्या इसमें कुछ रद्दो बदल किया गया था? यस सर, कब? सर 44 संविधान संशोधन 1978 के तहत से ही पहले मूल अधिकार हुआ करता था आर्टिकल 19 क्लॉज 1 एफ के अंतर्गत सर, फिर इस संशोधन से इसको हमारा संवैधानिक अधिकार बनाया, क्योंकि सर उस टाइम पे ये भू राजस्व के सर लैंड रिफॉर्म कुछ किया था सर ने, सरकार ने, तो सर उस वजह से प्रॉब्लम आ रही थी, क्योंकि फिर अगर मूल अधिकार होगा तो हर कोई स्टेट के अगेंस्ट सूट फाइल करेगा सर, इसी को लेकर ये एक संवैधानिक अधिकार के रूप में स्थापित किया गया। जी जी, तो मूल अधिकार और संवैधानिक अधिकार अलग अलग हैं? यस सर। ये संवैधानिक अधिकार है तो इसमें और मूल अधिकार होता, इसमें क्या फर्क है प्रक्रिया में? मूल अधिकार का हनन होने पर क्या रेमेडीज है? सर मूल अधिकारों का हनन होने पर एक तो हम स्टेट के अगेंस्ट डायरेक्ट रिट फाइल कर सकते हैं आर्टिकल 32 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट में, और आर्टिकल 226 में ऑनरेबल हाई कोर्ट में रिट दायर कर सकते हैं, जबकि सर अगर संवैधानिक अधिकार होगा तो एक जो सिविल सूट है वो फाइल कर सकते हैं और प्रतिकार ले सकते हैं।
कौन कौन सी रिटें होती है बताइए सर। 5 रिट है सर, हैबियस कॉर्पस, मैंडामस, सर्क्योरेरी, प्रोहिबिशन एंड को वारंटो। ये पांचों को बताइए क्या 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 होने पर कौन सा अधिकार उत्पन्न होता है। सर हैबियस कॉर्पस तब होती है जब किसको अवैध रूप से बंदी बनाया गया हो, तो कोर्ट का कोर्ट के अंतर्गत जब रिट फाइल की जाती है तो सर इसमें आदेश किया जाता है कि इस जो है बंदी को वो सामने पेश करो अगर अवैध रूप से बंदी बनाया गया है। और सर इसमें ये चेंज किया गया था कि अब जो है कोई भी व्यक्ति यदि बंदी की ओर से फाइल कर देता है तो भी मान ली जाएगी। सर मैंडामस में होता है कि अगर कोई लोक कर्तव्य मतलब कोई कोई व्यक्ति विधिक रूप से मतलब अधिकारी है किसी लोक कर्तव्य को और वो लोक कर्तव्य ऐसे अधिकारी द्वारा ना किया गया हो तो ये रिट फाइल करने पर उसको ये करने के लिए बाध्य किया जाता है कार्य या कोई भी कार्य न करने के लिए। और सर जो सर्क्योरेरी है सर ये जो है न्यायिक और अर्ध न्यायिक संस्थाओं के विरुद्ध फाइल की जाती है सर्क्योरेरी। सर जब सर्क्योरेरी में जब न्यायिक पूरी तरह निर्णय हो जाता है और उसमें कोई त्रुटि रहती है सर उसके लिए इसको अपास किया जाता है और उसमें सुधार किया जाता है। जबकि सर प्रोहिबिशन में भी न्यायिक संस्थाओं के विरुद्ध की जाती है और इसमें यदि कोई त्रुटि होती है तो सर उसके जो कार्रवाई के दौरान ही सर उसको त्रुटि को सही किया जाता है। और सर को वारंटो के अंतर्गत सर जब कोई सार्वजनिक पद को सर कोई अवैध रूप से कोई धारण किया हुआ होता है सर तब उसके विरुद्ध ये रिट जारी की जाती है कि वो किस प्राधिकार से इस पद को धारण किया हुआ है। अच्छा ये बताइए आपने ऐसी कौन सी विशेषता है जो आपको इस पद पे नियुक्त कर दिया जाए। सर जैसा कि मैंने पहले बताया था 2017 में एलएलबी करने के बाद मेरा एक ही लक्ष्य था कि मुझे न्यायिक क्षेत्र में अपना करियर बनाना है। और वो तो बहुत से लोगों वो तो मेरा प्रश्न समझ ही नहीं चाहिए। बहुत से लोगों को बनाना है, सबको नौकरी चाहिए। आप में क्या फायदा है कि आपको नियुक्त करने से आप में वो विशेषताएं होनी चाहिए ना इस पद को धारण करने की, तो वो कौन सी विशेषताएं हैं जिससे आप इस पद के लिए उपयुक्त हैं? सर एक तो विधि का ज्ञान और सर जो लीगल मैटर्स पर अपनी ओपिनियन बनाने की जो क्षमता है सर वो मैं मानती हूँ कि वो मेरे अंदर है और इसलिए मुझे मैं इस पद के लिए उपयुक्त हूँ। जी आप बताइए अभियोजन स्वीकृति नामक जो कंसेप्ट है क्या है, ये अभियोजन स्वीकृति किसे कहते हैं? अभियोजन स्वीकृति मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ फिर आप उसको और ज़्यादा एक्सप्लेन करें। जब किसी सरकारी सेवक अपने पद पर रहते हुए कोई अपराध करता है तो क्या उस पर सीधे कोई व्यक्ति कार्रवाई कर सकता है? सर नहीं सर, उसके लिए यदि वो केंद्र से रिलेटेड केंद्र का अगर वो अधिकारी है केंद्र के अंतर्गत काम करता है तो सर केंद्र सरकार से, और यदि सर राज्य के अंतर्गत वो कार्य कर रहा है तो राज्य सरकार से पूर्व अनुमति की आवश्यकता होती है। इसको क्या कहते हैं अभियोजन स्वीकृति? इसको अभियोजन स्वीकृति कहते हैं। तो दंड प्रक्रिया संहिता में कौन सी धारा में ये प्रावधान है जो आपने अभी बताया? सर जहां तक मैं रिमाइंड कर पा रही हूँ सेक्शन 197। वेरी गुड वेरी गुड। तो अभियोजन स्वीकृति के बिना क्या कोई न्यायालय किसी लोक सेवक के विरुद्ध प्रसंज्ञान ले सकता है? सर साधारणतया नहीं ले सकता, लेकिन सर जो रेप केसेस वगैरह है सर उनमें सीधे संज्ञान लिया जा सकता है। वेरी गुड। नहीं साधारणतया कैसे सर, जो नॉर्मल कंडीशन है सर उसमें जो रेप केसेस को छोड़कर जो मैटर है सर उनमें नहीं ली जा सकता। उसमें ये है कि लोक सेवक होने के नाते विहित कर्तव्य करते हुए उसके किसी कार्य से अपराध का गठन होता है तो उसके लिए जरूरी है। अगर पर्सनल हैसियत से कोई काम कर रहा है वो तो उसके लिए अभियोजन। मेरा सवाल आपसे भी रहेगा सरकारी सेवक और लोक सेवक में क्या अंतर है? सर लोक सेवक जो सेक्शन 21 आईसीसी में डिफाइन है तो ये एक लोक से रिलेटेड सर ये एक जनता का सेवक होता है और इसको पारिश्रमिक दिया जाना या ना दिया जाना जरूरी नहीं होता। जबकि सर सरकारी सेवक है
तो सर वो एक उसके कुछ टर्म्स एंड कंडीशन होती है जिन पर वो नियुक्त किया जाता है, और पारिश्रमिक उचित पारिश्रमिक इनके लिए जरूरी होता है। नहीं सर, दोनों को दिया जाता है बिना पारिश्रमिक। सरकारी सेवक की परिभाषा किस में है और लोक सेवक की किस में? सर सरकारी सेवक की सर आईपीसी के सेक्शन 14 बिल्कुल बिल्कुल 14 में और लोक सेवक की सेक्शन 21 में। बिल्कुल बिल्कुल सही बताया आप। चलिए ठीक है, आपको वापस अभी 2 मिनट बाद फीडबैक देंगे, ठीक है, आप कनेक्ट रहिएगा। थैंक यू सर। यस, देखो सबसे पहले तो आपके इंटरव्यू बड़ा इम्प्रेसिव रहा, कई चीज़ें हैं जो अच्छी रही और कुछ एक कमियां भी रही, उन कमियों को थोड़ा सा अपन गो थ्रू करें तो आपका इंटरव्यू जो है मतलब बेटर से भी बेस्ट बन सकता है, राइट। देखो एक तो सबसे पहली चीज़ जो थोड़ा सा कहीं कहीं पर आपका आत्मविश्वास कम लग रहा था, जैसे यूँ होठ चबाने लग गया बीच बीच में, तो ये पता चलता है कहीं कहीं या तो आप थोड़े से नर्वस हो रहे हो। नर्वस नहीं होना है, आपने जहाँ तक लॉ के कंटेंट्स की जानकारी दी है वो ऑलमोस्ट 70% तक बिल्कुल सही रास्ते में रहे हो आप, एकदम सही तरीके से आपने एक्सप्लेन किया उस चीज़ को। तो जब नॉलेज होता है ना वहाँ पर हमारे पास ये नर्वसनेस वाली चीज़ें नहीं होनी चाहिए। सेकंड चीज़ आपके पास प्लस चीज़ है स्माइलिंग एटीट्यूड, आप चाहें तो उसको इंटरव्यू में इस्तेमाल कर सकते हैं, किसी भी सवाल का एक दो बिल्कुल हर सवाल का जवाब सीरियसनेस के साथ देना ज़रूरी नहीं होता है, ओके। तो उसको थोड़ा सा प्लीजिंग एटीट्यूड को जरूर रखें इंटरव्यू के दौरान। एक और चीज़ खास में ये रहेगी कि आपसे सवाल सर ने पूछा था भाई जेएलओ क्यों बनना चाहते हो, मैंने भी आपसे सवाल पूछा था, सर ने भी इंडायरेक्ट में आपसे इसके बारे में जानना चाहा जुडिशरी क्यों जा रहे हो वगैरह, तो उस समय आपका जवाब थोड़ा सा और बेहतर हो सकता था। मैं आपको बकायदा जवाब ही बता देता हूँ, अगर आप जवाब ये करें सर कहीं के थोड़ा आज के टाइम में एक एम्प्लॉयमेंट हो जाता है तो साइकोलॉजिकली हम सेटिस्फाइड हो जाते हैं, और साइकोलॉजिकल सेटिस्फाइड कैंडिडेट तैयारी और अच्छे से करता है ना, और ये प्रैक्टिकल बात भी है। आप जब जेएलओ बन जाओगे तो कहीं की मेंटली सेट हो जाओगे, चलो यार कुछ तो है ही, एक प्लेटफॉर्म पर तो है, ये प्रैक्टिकल बात है, तो इसी प्रैक्टिकल बात को आंसर में कन्वर्ट करें, कोशिश करना इस बात को कन्वर्ट करने की, राइट। बाकी बहुत अच्छे से आपने कुछ चीजों को एक्सप्लेन किया, सर ने जो रिट जुरिस्डिक्शन का सवाल पूछा वेल एक्सप्लेन, दैट्स गुड, जरूरत भी थी उसको। एक चीज मैं जोड़ना चाहूंगा सर प्लीज, कि ये चीज पक्की लगभग पूछी जाती है कि आप में ऐसी क्या विशेषता है कि आपको जूनियर लॉ ऑफिसर बनाए, तो इसका आपने कहा ना विधि की जानकारी, तो विधि की जानकारी तो यहाँ सारे विधि की जानकारी वाले ही है, सब विधि के ही है जो पास करके आए, तो ये नहीं, जो ऐसी विशेषता होनी चाहिए जो आपको इस पद के लिए बिल्कुल उपयुक्त कैंडिडेट फिट कैंडिडेट माने, तो इसका अपना खुद का एनालाइज करो आप कि क्या आप में ऐसी चीज है कि आपको विधि अधिकारी बना दे, आपके प्लस पॉइंट क्या है माइनस पॉइंट क्या है, इन चीजों पे थोड़ा वर्क करो, प्लस हॉबीज, ठीक है। मेरी ओर से तो यही है कि सबसे पहले आपको कॉन्ग्रेचुलेशन इस स्टेज तक पहुंचने के लिए, और बहुत अच्छा है विधि के क्षेत्र में आप जैसे अनुभवी और आप जैसे पढ़ाकू जिसको कहते हैं उनके लिए जरूरी है, अपने ज्ञान में थोड़ा सा आत्मविश्वास की चाशनी घोल दीजिए, बहुत अच्छा नॉलेज है आपको, क्योंकि हमारा कोई भी सवाल जो है ब्लैंक नहीं गया, हर सवाल में आपने कुछ ना कुछ तो जरूर दिया है अपनी तरफ से। अब उसमें आप दोनों ने जो बताई थी उसमें केवल आप ये चीज़ ऐड कर दीजिए, उसको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस के साथ विस्तार दीजिए, मेरे हिसाब से आप परफेक्ट हैं। परफेक्ट तो उस धरती पर वैसे कोई भी नहीं होता, लेकिन आप उसके काफ़ी नज़दीक हैं और आपका प्रयास सराहनीय है, मेरा बेस्ट ऑफ लक आपको, आप एग्जाम में जरूर सफलता पाएंगे, ये सब मुझे पूरा विश्वास है। ओवरऑल बहुत अच्छा रहा है, जैसा बोर्ड ने बताया उन चीज़ों पर जरूर आप वर्क करेंगे, राइट, ऑल द बेस्ट बेस्ट।